आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। कोविड 19 के कारण इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी लॉकडाउन का पालन करना पड़ रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है परंतु सत्य है। बताते चलें कि एक हाथी अपने तीन महावत के साथ गत शिवरात्रि में मिर्जापुर से चलकर बाबा बासुकी बाबा भोले की बारात में चलकर आया था। लॉकडाउन के कारण पिछले 25 मार्च से ही एक हाथी अपने महावत के साथ फंस गया है। वर्तमान में वह दुमका जिला के रामगढ़ प्रखंड के ठाड़ीहाट गांव के एक मंदिर में गजराज अपने तीन महावत के साथ गांव के एक मंदिर में डेरा डाले हैं। उन सभी का खाना पीना गांव के मुखिया और ग्रामीणों के सहयोग से दिया जा रहा है। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने संबंध में कहा कि यह खबर मेरे संज्ञान में आई है और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा और हाथी को उसके महावतों के साथ घर भेज दिया जाएगा। कुछ दिन पहले हाथी की तबीयत खराब हो गई, जिसका इलाज रामगढ़ के पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया गया। अब हाथी पूर्णतः ठीक है। वहीं महावत अमन दुबे ने कहा कि हम लोग शिवरात्रि में हर साल बासुकीनाथ आते हैं, इस बार आने के बाद लॉकडाउन में फंस गए। हम लोग चाहते तो घर से निकल सकते थे, परंतु पीएम नरेंद्र मोदी ने जब सभी देशवासियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य बता दिया, ऐसे में हम लोग अगर हाथी लेकर निकलते तो सैकड़ों लोग एक जगह एकत्रित हो जाते, इसलिए हम लोगों ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। तो वापस कहाँ जाना? बाबा बासुकीनाथ के शादी में आए हुए थे, अब वापस हम लोग को मिर्जापुर जाना है उत्तर प्रदेश में। यहाँ किस लिए आए थे? वही बाबा बासुकीनाथ के शादी में जुलूस होता है। अच्छा, उसमें शामिल आए थे। क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत कुछ नहीं हुआ, इतना दूर पैदल चल कर आने के लिए थोड़ा थकान आदमी को भी और हाथी को भी महसूस हुआ, तो थोड़ा इधर हरा डाल पत्ता जंगल के साइड में खिलाने पिलाने के लिए। बोले कि तबीयत भी खराब था इसका? हाँ, वही बीच में हल्का सा, वही मतलब तबीयत ज्यादा नहीं खराब था ऐसा। तबीयत खराब होने से संबंध है कि मतलब थकान महसूस हुआ, इसलिए थोड़ा रामगढ़ के मुरलीधर दिनकर डॉक्टर साहब है उनसे मतलब कि टॉनिक का दवा 5-6 बोतल दिए, फिर सही हो गया। अच्छा। ऐसा कुछ खास बीमारी नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ जो नहीं जा सके? वही दाल पत्ता खिलाने लगे, थोड़ा बहुत तो कमजोरी। नहीं नहीं, उसके बाद क्या लॉकडाउन हुआ? उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन से आए एक महीने से फंसे हुए हम लोग। 19 मार्च से इस जगह पर, लॉकडाउन से 19 मार्च लॉकडाउन से एक दिन पहले से मतलब यहाँ फंस गए। क्या चाहते हैं आप? एप्लीकेशन दिया आपने? अब पहुँच तो गई है खबर वहाँ तक। हमारे सरायाहाट के एक उन लोगों को होम क्वारंटाइन और उनका निगरानी हम लोग को करना है। और सेंटर के आसपास यदि कोई आबादी है, कोई हाउस होल्ड है, तो वहाँ पे हेल्थ स्क्रीनिंग करना है और उसको कंटेन करना है। तो अभी वीडियो और सीओ के द्वारा इन सभी को देखा जा रहा है। कल सुबह हमारा जिला का टीम भी विजिट करेंगे और कंटेनमेंट ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। मैडम, एक मामला आ रहा है रामगढ़ से, शिवरात्रि में एक हाथी आया था यूपी से जो कि यहीं पे फंस गया है लॉकडाउन में, और उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई, चूँकि बीमार भी हो गया था, वो जा नहीं पाया। ऐसे में उसने परमिशन मांगा कि उनको यूपी जाने का परमिशन दिया। अभी जितना भी पासेस का है वो फिलहाल हम लोग लोगों का और जो स्टैंडर्ड लेबरर्स हैं उनके मूवमेंट के लिए पासेस दिया जाता है, और यदि ऐसा कोई एनुअल को पास देना है तो उसका बैलेंस में देखना पड़ेगा, शायद वो उल्लेख नहीं है तो उसको देखा जाएगा, यदि संभव होगा तो उनको पास दिया जाएगा और तब तक उनको रेफर किया जाएगा। हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिसर है या वन विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनको रेफर किया जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि वो हाथी का इलाज इसी जिला में हो जाए।
कोरोना मरीज जो पाए गए इसके बाद क्या प्रिकॉशन उठाए गए यहाँ? क्योंकि हमारे सेंटर में ही पाए गए हैं, ये लोकेलिटी में नहीं गए थे, ना ही उनके परिवार से मिले, सेंटर में ही वो लोग हैं, तो काफ़ी राहत है जिला के लिए हमारे। लेकिन उस सेंटर में जो और लोग हैं जिनका सैंपल नहीं गया है उनका सैंपल भेजा जाएगा, और उस सेंटर में जो डिप्यूटेड थे काम करने के लिए जो प्रतिनिधि थे उन लोगों का भी कुछ सैंपल्स भेजे जाएंगे, और इन सभी को आइसोलेशन में क्वारंटाइन में रखा जाएगा, सेंटर को सैनिटाइज किया जाएगा, आसपास के लोगों को भी इसका काउंसलिंग किया जाएगा, स्क्रीनिंग किया जाएगा, और आई थिंक कंटेनमेंट का जो SOP है उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो यदि किसी कोई कॉन्टैक्ट संक्रमित हुआ है तो वो हमारे पकड़ में आ जाएंगे और उनको भी हम लोग आइसोलेशन में रख सकते हैं। इस खबर से लोगों में काफी भय का माहौल है, इसमें क्या है? आई थिंक इसमें जायज है कि लोग थोड़ा डर जाए, लेकिन अगर वो सेल्फ प्रिकॉशनरी मोड में रहे तो वो बिल्कुल सुरक्षित वे में रह सकते हैं।